मॉर्निंग एवरीवन, कल आप कर रहे थे सौन कविता, ठीक है, लग गई समझ सबनों। आज तुसे मैंने केंद्रीय भाव सुनाना है, क्वेश्चन आंसर्स और कावंश, ठीक है। कावंश मैं थानू इतने ही लिखवावांगी बिकॉज थोड़े विचों काफी सारे बच्चे इतने आ चुके ने, तो हुण मैं थानू पीडीएफ बना के नहीं सेंड करा करनी। और कावंश हो सके तो उन्हू वन वर्ड च लिखो और अपनी फेयर कॉपी ते ना लिखो फिलहाल, ठीक है, बिकॉज थोड़ी स्पीड बहुत ज्यादा गलतियां हो जाएंगियां। सो रफ कॉपी अपने कोल रखो, कावर से क्वेश्चन आंसर्स लिखने पहले आप, उस तो बाद विच केंद्रीय भाव, आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अज आप ये वाली कविता जी है खत्म कर देनी है, कल असि ग्रामर पोर्शन करांगे। स्वादिष्ट नहीं, तुसी स्वाद लिखोगे, ठीक है। हां जी पेकी बैठिया मतलब जिहड़ियां कुड़ियां ने ओह सौन महीने दे विच जिहड़ियां मैरिड गर्ल्स हुंदियां ने ओह अपने पेकी चल जांदियां ने ते उत्थे बैठ के ओह जिहड़ा खुशी दा दिन है ओहनूं मनांदियां ने ते बहुत ज्यादा हार शिंगार करदियां ने, ठीक है। और तीयां दा त्यौहार लिखना, तुसीं तीज दा त्यौहार नहीं लिखना। तीज आपां हिंदी च कहिंदे आ, पंजाबी च आपां की कहिंदे आ, तीयां दा त्यौहार, ठीक है। तद्दा नहीं पा देना, तद्दे नाल की बन जाएगा, तियां, तियां मतलब कुड़ियां, ठीक है। सो तियां दा, राइट। हां जी हरनीत, तो ठीक है, सौरे घर तो आके पेके घर बैठिया ने, राइट। क्लियर है हर किसी नु पोएम? अगर कोई भी डाउट है तो हुण तुसी क्लियर कर सकते हो। पेके घर, हां जी, सौरे घर तो आके पेके घर विच अपना शुभ दिन मनांदियां ने, त्योहार मनांदियां ने ते उत्थे बैठ के हार श्रृंगार करदियां ने, ठीक है, या बहुत सजदियां ने लिख सकदे हो। हां जी क्लियर। सो कावंश लिखो, कावंश तुहानू पता ही है, ठीक है। तुहानू हुण पोएम दे विचों दी कोई चार या कोई छे लाइना आ सकदियां ने पेपर विच, ओहदे नाल रिलेटेड तुहानू क्वेश्चन पुछे जा सकदे ने, ठीक है। सो कावंश दे विच इत्थे मैं तुहानू पैरा टू पैरा नहीं करवाना, मैं पूरी पोएम करवा देनी, बट पेपर विच कोई चार या पांच लाइना आणगियां, ठीक है। सो कावंश पहला तुसी इंडेक्स बनाना अपनी फेयर कॉपी ते, सौन कविता, उस तो बाद विच वड्डा वड्डा पहला तुसी कविता और कवि दा नाम लिखना, बिकॉज जिन्नी वारी तुसी कवि दा नाम लिखोगे तुहाडे माइंड विच ओह चीज आ जाएगी, थोड़े स्पेलिंग भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। लैंग्वेज दी रिटन प्रैक्टिस जिन्नी कर सको उन्नी थोड़ी, क्योंकि तुसी अपने पेपर देख रहे हैं, कईयां दे पेपर इन्ने अच्छे सीगे बट उन्हां दी स्पेलिंग मिस्टेक देख करके उन्हां दे नंबर गए है, इप्सा ऐसे ही है ना, ठीक है। सो कावंश क्लियर है, उस तो बाद विच पोएम दी लाइन, सौण मां, मां मतलब महीना, ठीक है। अगो डैश डैश पा लो, क्लियर है। फिर लास्ट लाइन, क्योंकि आप पूरी पोएम तो लिख नहीं सकते है ना, सो इस तरह कर लो, सोले गाँवते ने। सारे मेनू लिखते नजर आने चाहिए बिकॉज कोई किसी तो नहीं मंगेगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स उसी भी बच्चे नाल नाल ही लिखी चलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पेट क्वेश्चन केड़ा होंदा है, इस एक काव्य सत्रां केड़ी कविता विचों लईयां गईयां हन, ठीक है। एक काव्य सत्रां केड़ी कविता विचों लईयां गईयां, शॉर्ट विच दसां तुहानूं किदां लिख सकदे हो तुसीं। सी फर्स्ट क्वेश्चन काव्य सत्रां, बिकॉज ए तां आणे ही आणा है क्वेश्चन, ठीक है। लईयां गईयां हन भावें ना लिखो, सिंपल लिख लो काव्य सत्रां, अगो कविता, कविता सौण, साउंड नहीं बोलना सौण, ठीक है। उस तो बाद विच सेकंड क्वेश्चन इदां ही लिख लो, इस कविता दे कवि दा नाम लिखो, बस कवि लिख लो,
जो भी आप कविता करांगे उसके पहले दो क्वेश्चन इस तरह लिख लिया करो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। कवि कौन है? तनीराम चात्रिक। चात्रिक दे स्पेलिंग सही होने चाहिए, नहीं ठीक है, पूरा र नहीं आना, पैच रो आना है। क्लियर है दो क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन, ओके। सौण महीने, मैं हूं लाइन टू लाइन बोलांगी, अपनी बुक अपने को रखो और तुसी आंसर मैंने खुद देना है। सौण महीने सौण महीने की हुंदा है, हार्ड क्वेश्चन, सौण महीने की हुंदा है, की हुंदा है? मी पैंदा, गर्मी जड़ी है वो दूर हो जाती है, ठीक है। सौण महीने की हुंदा है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस लिख लो, आंसर्स डिस्कस कर दें, आंसर्स उसी खुद ही लिखने, मैं नहीं डिक्टेट करवाने। सौण महीने की हुंदा है, हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, पानी किथे किथे खड़ा हुंदा है, पानी पानी किथे किथे खड़ा हुंदा है, किथे किथे हुंदा? टोए टोए या टोबे लिख लियो, ठीक है, टोबे दे स्पेलिंग देख लो, टोबे और टोए, छप्पड़, नालियां, नदियां दे विच, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलां वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। सो जेड़ा क्वेश्चन लॉन्ग दे विच आ गया मैं दोबारा रिपीट नहीं करांगी, ठीक है। अगो दी सीगा कि इस सौण दे महीने खेतों में केड़ियां केड़ियां फसलां होंदियां हन, थोड़ा बैक एक्सरसाइज आई क्वेश्चन है, सो नो नीड टू रिपीट दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस किस विच पै जांदा है, रस किस विच पै जांदा है? जामन नहीं लिखना, आपा की लिखना है? जामन, ण लिखना है पीछे, ठीक है। यस देवांग, देवांग क्लियर है? नेक्स्ट, मिठास किस फल विच आंदी है? मैम एक क्वेश्चन मैम ने ये लिखा है ना, पानी कितने कितने खड़ता है, हाँ जी, ये मिठास किस फल विच पैंदी है, मिठास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन, गिठ गिठ लालियां किसनों चढ़ दिया हन, किसनों चढ़ दिया? गिठ गिठ लालियां, स्पेलिंग सॉरी बुक पे लिखे ही हुए ने, गिठ गिठ लालियां किसनों चढ़ दिया हन, स्पेलिंग बुक विच लिखे हुए ने, पेज नंबर 57 ते ही, किसनों चढ़ दिया ने गिठ गिठ लालियां? सब्जियां नो, ठीक है। गिठ गिठ लालियां किसनू चढ़दियां हन? डन। नेक्स्ट, खाली, नेक्स्ट, खाली अपने मंजे किथे डोंदे हन, किथे डोंदे हन? डोंदे मतलब बिछाउंदे, ठीक है। हाली अपने मंजे किथे डोंदे हन? डन, ओके।
नेक्स्ट ब्याहियां कुड़िया कित्थे जांदियां हन ब्याहियां कुड़िया ठीक है ऐसा लिखो ब्याहियां कुड़िया कित्थे जांदियां हन और दिहार दा मतलब उथे लिखा है पेकी बैठिया ताई दिहार आए दिहार मीन्स दिन अगे लिख लो दिहार दा मतलब लिख लो ठीक है दिहार दा की अर्थ है क्योंकि जदों कावन च आएगा ते थानू मीनिंग भी पूछा जा सकता है सिर्फ कविता दे विचों दी ही ठीक है दिहार दा की अर्थ है हां जी ये कावन दे विच ही आने ने सारे ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन शुभ तुसी लिख नहीं रहे हो शुभ तुसी क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हो बिहार दा की अर्थ है बिहार दे स्पेलिंग देखो थोड़ी बुक विच लिखे हुए ने लास्ट फोर्थ लाइन क्लियर नेक्स्ट कुआरियां कुड़ियां की कर दिया हन स्पेलिंग्स लिखे हुए ने देखो जिथे स्पेलिंग्स लिखे होंगे उथो गलती ना करा करो कावन से विच क्लियर कट लिखा हुआ है कुआरियां कुड़ियां की कर दिया हन क्वेश्चन नंबर 10 है थोड़ा यस गौरेश यस मैम अभी तक जो आपने क्वेश्चंस करवाया है उसका टोटल नंबर क्या है क्योंकि मैम आपके बीच में वॉइस क्रैक कर गई थी थोड़ा सा टेंथ है बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 मैम क्वेश्चन नंबर 10 लो जो कुआरियां कुड़ियां की कर दिया हन मैम यही वाला क्वेश्चन है ना यही वाला क्वेश्चन है ओके अगर छूट जाएगा तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी तो मैं दस रही हूँ क्वेश्चन ओके गौरेश मैम यू आर नॉट ऑडिबल गौरेश मैम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सौण महीने विच केड़े केड़े पकवान तैयार किए जाते हैं केड़े केड़े पकवान खीरा नहीं लिखना पूड़ी नहीं पूड़े सौण महीने विच केड़े केड़े पकवान तैयार किए जाते हैं क्लियर है देखो ये थोड़ी जी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ओदे विच भी ये वाला आएगा सो तुसी इनू अगर आपा बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है तो फिर उन्होंने आपा थोड़ा इलैबोरेट करना है ठीक है जो थानू कावज के पूछा जाएगा फिर तुसी ओदे अकॉर्डिंगली आंसर देना है और उन्होंने कभी भी पोइटिकल लैंग्वेज नहीं लिखना क्योंकि तुसी हुण जिहड़े पेपर देके हटे ओदे विच तुसी पोइटिकल लैंग्वेज के ही लिख देंदे हो मान लो कि मैं थानू ये वाला क्वेश्चन किया तुसी अगे लिख दिता खीरा रिज्जियां पूड़ियां डंच लाई ठीक है ऐसा नहीं लिखना थोड़ा क्वेश्चन टोटली गलत हो जाता है क्लियर है उन्हें हमेशा अपनी वर्डिंग विच चेंज करो पकवान डन नेक्स्ट तैयार किए जाते हैं यस देवांग देवांग ओके हो गया जी गबरू केड़ी खेड खेड़ हैं गबरू केड़ी खेड खेड़ हैं दिस इज योर ट्वेल्थ क्वेश्चन गबरू ओके 13th क्वेश्चन गबरू केड़ी केड़ी खेड खेड़ हैं गबरू दे स्पेलिंग एक्सक्यूज मी मैम हां जी
मैम मैंने वो पूछना था कि मतलब मेरे ना 9 बन रहा है, तो फिर एक बार आप रिपीट कर दोगे क्योंकि आपके ना बीच में आवाज बहुत क्रैक हो रही है। 9 क्वेश्चन बोल रहे हो? नहीं जैसे जब आपने कहा था ना कि 10 क्वेश्चंस हो रहे हैं, कुआरी कुड़िया ठीक ही करती हैं, तो फिर उसमें ना मेरा मतलब एक क्वेश्चन उसमें छूट गया था, कौन सा छूटा था वो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि बिहार दा, आवाज। बिहार दा की अर्थ है बिहार। आई मीन थोड़ा मेनू लगता है कि वाला छुट्टे होएगा दिमाग। बिहार हाँ ये मैम लिख लिया है, देन एक बारी चलो मैं टेली कर लूंगा किसी के साथ। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गबरू केड़ी खेड़ खेड़ दे हन। कबड्डी। ठीक है, कबड्डी लास्ट क्वेश्चन। गबरू सॉरी गबरू ना लिखियो, लोकी सौन महीने विच नहीं, लोकी केड़े गीत गाउंदे हन, ऐसा लिखो। लोक केड़े गीत गाउंदे हन, सौन माह दे की गाउंदे हन, सोले। ठीक है, सोले मतलब खुशी दे गीत। खुशी दे गीत। क्लियर है? टोटल क्वेश्चंस आर 14। क्वेश्चन, लोकी खुशी विच केड़े गीत गाउंदे हन। लास्ट क्वेश्चन, लोकी या लोक खुशी विच केड़े केड़े गीत गाउंदे हन, केड़े गीत गाउंदे हन? सौण माह दे सोले। ठीक है, पूरा लिखना है तुसी, सौण माह दे सोले या खुशी दे गीत। क्लियर है? एनी डाउट? 7th है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टोटल क्वेश्चन आर 14। ठीक है, उसके बाद में तुसी मेनू सुनाना है केंद्रीय भाव, सो बी रेडी फॉर दैट। बेटा मैम लाइन 14th क्वेश्चन को सव्या केड़ा? सव्या नो? सव्या दोबारा बोलोगे? 13th क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, 13th, 13th। गबरू केड़ी खेड़ खेड़ दे हन। ओके मैम। ओके जी, डन। सब दा ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डन। ठीक है, हुण अगे केंद्रीय भाव से, जो तुसी मैनूं कॉपी सेंड कर दिओ, तुसी काफी बच्चे इदां दे ने जिहड़े केंद्रीय भाव करदे नहीं हो। केंद्रीय भाव हो गया, सार हो गया पोएम दा, वो सेम ही गल है। ठीक है, सो कौन सुनाएगा? मिथार्थी, प्रॉपरली सुनाना है जिस तरह थोनों मैं केंद्रीय भाव दस्या होया है। ठीक है, लिसन बच्चे, आपा कभी भी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करना उन्हों। ठीक है, ठीक सी थोड़ा गुड, क्लियर है? उन्हों जिस तरह एक आपा समरी लिखते हैं ना, हमेशा एकदा समरी लिखो। हुण इप्सा मैंने पूछ रही सी कि एदियां लाइनां किन्नियां होणी चाहीदा, लिसन बेटा, तो एदी सच कोई एदा नहीं हैगा कि इन्नियां ही लाइनां होणियां चाहीदियां, उस तो वध ना होण। देखो पोएम दे अकॉर्डिंगली तुसीं पोएम नूं पूरा समराइज करना है,
कोई पोइम वड्डी भी हुंदी है कोई पोइम छोटे भी हुंदी है जिस आपां मां दा प्यार पोइम कीती सीगी काफी वड्डी सीगी तो उहदे लई एदां नहीं है कि असीं सिर्फ 10-12 लाइनां लिख दो हां केंद्री भाव 1.5-2 पेजां दा भी नहीं हुंदा ठीक है हुण जिस तरह ए है इहदी आई थिंक तुहाडी लेंथ जिहड़ी तुहाडी कॉपी दा पेज है वह हाफ तो थोड़ा जा ज्यादा हो सकता फुल पेज नहीं हो सकता तुसी एदां उहनूं समराइज करो ठीक है क्लियर है लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करीदा बट आपां की करीदा उहनूं समरी एक कह लो कि जिस तरह आपां सार लिखदे हां किसे वी अगर पूरा चैप्टर पढ़दे तो पूरा चैप्टर ही थोड़े उहदे विच लिख दिंदे हो ठीक है उहदा सार लिख दिओ उहनूं नटशेल दे विच लिख दिओ हरमीत और सब तो पहली लाइन आपां केंद्री भाव विच हमेशा इस कविता कदी नहीं बोलना आपां हमेशा कविता दा नाम लिखना है ठीक है हां जी इस विच तीन फसलां दे नाम भी आए हन जिवें ताई चड़ी मक्की इस विच दो फल दे नाम भी नाम आए हन जामन जूसी केड़ा आ गया जामन विच रस भर जांदा है जूसी नहीं लिखना ओके ठीक है गुड लिसन पहली लाइन अपन लिखनी सौन कविता तनीराम चात्रिक की लिखी हुई कविता है ठीक है उस तो बाद भी तुसी ये कह देना कि पहला थोन मैं पहले ही दस्या कि दो लाइना दे विच थोड़ा जिहा उहनूं कर दिया करो कि इस कविता विच कवि ने किस बारे गल कीती है तीसरी लाइन तुहाडी है सैकंड लाइन तुहाडी ये बन गई ठीक है हुण इस कविता विच कवि ने सौन महीने की गल कीती है कि इस महीने विच आले दुआले विच परिवर्तन आउंदा है ठीक है परिवर्तन दे स्पैलिंग भी तुहाडे क्वेश्चन नंबर 5 विच लिखे हुए ने आले दुआले विच परिवर्तन उस तो बाद विच तुसी अपनी पोइम नूं समराइज करना शुरू करो अगर किसी नूं नहीं आंदा केंद्री भाव क्योंकि कुछ बच्चे इदां दे हुंदे ने जिन्हां नूं केंद्री भाव नहीं लिखना आंदा फिर तुसी ईजी वे तुहानूं दसदी आं मैं बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर्स ने उहदा फर्स्ट आंसर सैकंड आंसर नाल ही नाल लिखने इह ना भी उहदी लाइनां छड छड के लिखो इक पैरा बना के लिख लो ठीक है उह तुहाडा बन जाएगा सारियां केंद्री भाव क्लियर है हुण क्वेश्चन आंसर करिए गलियां ठीक है ओके फर्स्ट क्वेश्चन सौण दे महीने खेतों विच केड़ियां केड़ियां फसलां हुंदियां हन मैम जस्ट अ मिनट मैम सौण दे महीने सारे खेत बहुत ज्यादा हरे भरे हुंदे हन ते बहुत सोहने लगदे हन इस महीने विच किसान खेतों विच बहुत सारियां फसलां उगाउंदे हन जिवें झोना चरी मक्की कपाह आदि ठीक है गुड आंसर सही दित्ता है लाइन दा हो गया हाँ जी मैम आई हैव अ डाउट मैम जो केंद्रीय भाव के अंदर में हम ये वाली लाइन ऐड कर सकते हैं इस कविता विच कवि ने सावन महीने दी बरसात अते आले दुआले दा मनमोहक नजारा पेश किया है कर सकते हो तुसी मनमोहक नजारा ही है आले दुआले देखो कितना सोहना नजारा हो जांदा है ओके गुड लिख सकते हो यस मैम ओके थैंक यू मैम ओके सो बिल्कुल करेक्ट आंसर पूरा सिर्फ फसलों के नाम नहीं दिए प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हाँ जी और कौन बोलेगा डेस्पिन फर्स्ट जामण अनार नहीं लिखना ओनली फसलां फसलां केड़ियां केड़ियां ने ताई लिख लो या झोना लिख लो मक्की चरी कपाह ठीक है हुण जिस तरह गौरिश ने स्टार्टिंग कीती सी स्टार्टिंग बहुत अच्छी सी उहदी कि सौण दा महीना बहुत वधिया हुंदा है आले दुआले दा नजारा बहुत वधिया हुंदा है
जेडे किसान हैं अपने खेतों में बहुत सारिया फसल उगाते हैं जिम्मे के ठीक है इस तरह अपने आंसर इलैबोरेट करना सीखो क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन सौण के महीने कुड़िया की कर दिया हूँ ये व्याईया कुड़िया बारे भी लिखना है और अणव्याईया कुड़िया बारे भी लिख सकते हो ठीक है इतने मैनशन नहीं हैगी सिर्फ व्याईया बारे लिखना हाँ जी ठीक है कार्तिक रंग बिरंगी चुनिया नहीं आप बोलेंगे रंग बिरंगिया चुनिया ठीक है क्लियर है। हां जी होर कोई आंसर देना चाहेगा इप्सा ठीक है सक्षम समार यस मैम साउन दे महीने कुड़ियां अपने पेके जांदियां हन अते शिंगार करदियां हन ओ वंगा चूड़ियां पाउंदियां हन ते गिद्दा भी खेड़दियां हन ठीक है ओके गुड नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी सौण दे महीने घरां विच केड़े केड़े पकवान तैयार किते जांदे हन माधव ठीक है हरमीत ठीक है ओके एक्स्ट्रा लाइन बोलो ठीक है ओके गौरेश एक्स्ट्रा लाइन जो कोई बच्चा आंसर बोलता उन्होंने सुनिया करो yes, ma'am. ठीक है हां जी मैम कैन वी स्टार्ट लाइक दिस साउन दा महीना एक ऐसा महीना है जिस विच लोग आनंद मानते हैं अते वक-वक पकवान खांदे हैं ऐसा महीना ना लिखो साउन दे महीने विच लिख लो ठीक है या अजिहा महीना लिख लो ऐसा नहीं अपना लिखना ऐसा हिंदी दा वर्ड आएगा ओके ठीक है गौरेश क्लियर है लिख लो गे वाला कि साउन दे महीने विच लोकी बहुत आनंद मानते हैं हुण आनंद दे स्पेलिंग देखो मेरे ठीक ने ठीक है कितना आएगा एक गलत है आनंद ठीक है ऐसा लिखना तुसी आनंद राइट सौण दे महीने विच लोकी बहुत आनंद मानते हैं घर अलग अलग तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं फिर तुसी पकवान का नाम लिख देना जिन्हों खा के लोगों की भुख मिट जाती है ठीक है त्योहार मेंशन करना है कि कुड़ियां जड़ियां हैं वो तीयां दा त्योहार भी मनांदियां हैं ठीक है। नेक्स्ट गबरू सौण महीने की रुत का आनंद किवें माणदे हन हां जी अदगुन अदगुन बोलो नेक्स्ट नाम बोली जाओ बच्चे नाल नाल अपना अमरजोत हां जी अमरजोत ठीक है इप्सा अगर किसी को एक्स्ट्रा लाइन होएगी तो बोलियो
ठीक है. नो गौरेश एक्स्ट्रा लाइन. ओके क्लियर है. लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा. हाँ जी. लिख सकते हो. सौन महीने विच आले दुआले विच की परिवर्तन आता है. परिवर्तन क्या होता है? बदलाव, चेंज. हम तुसी ये दे विच प्रॉपरली लिखना कि एटमॉस्फेयर कितना चेंज होता है. हाँ जी कौन बोलेगा? आले दुआले विच परिवर्तन. जैस्मिन ठीक है गुड. और चेंज की आंदा अगर सौन का महीना आंदा है तो जनरल जिहा क्वेश्चन बन सकता है. गौरी श्वेत. यस मैम. आपा इहदे विच बाकी ठीक है थोड़ा. आपा इहदे विच तीआं दे त्योहार की गल नहीं करनी बिकॉज आपा आले दुआले विच वातावरण विच चेंज की गल करनी है. ठीक है बाकी ठीक है थोड़ा. खुशी दे गीत गाते हैं इप्सा. ओए सारा आएगा. वेरी गुड. हां जी गौरीश. यस मैम. सावन महीने विच आले दुआले विच बहुत ज्यादा परिवर्तन हुंदा है. इस महीने विच बरसात होण कारण गर्मी घट जांदी है. छप्पड़ तोबे नदियां नाले पानी नाल भर जांदे हन. चारे पासे हरियाली हो जांदी है ते फसलां रह ला उठदियां हन. सारा आला दुआला महक उठदा है अते सारे लोग इस महीने विच आनंद माणदे हन. ठीक है गुड गुड. इप्सा दा भी अच्छा सी काफी. ओके लिसन एदे विच तुसी आले दुआले विच परिवर्तन पहला की हुंदा है? पहला तुसी लिख सकते हो मनमोहक नजारा या सोना दृश्य कुछ भी लिख लो है ना. फिर की हुंदा है? पहला गर्मी जिस तरह जैस्मीन ने कहा गर्मी दूर हो जाती है. फिर आले दुआले पानी भर जाता है ना छप्पा टोबिया दे विच. उस तो बाद विच हाँ ये भी लिख सकते हो. होर पॉइंट्स मैनु दसो ताकि उन्हें लैबोरेट किया जा सके. होर फसलां बारे लिख सकते हो. होर ठीक है. जामण विच की पैंदा है? रस. ते मिठास किहदे विच आंदी है? अनार विच. ठीक है क्वेश्चन आंसर इजी ने. इन्हां नूं तुसीं अपनी फेयर कॉपी ते लिखना. की लिखना? कावंश केंद्री भाव क्वेश्चन आंसर विद इंडेक्स. ओके हां जी अदगुण. कॉपी लिए मैं थोनों मैसेज दे दवांगी. मैं फिलहाल दो जड़े क्वेश्चन दो चैप्टर्स ने उन्हें इकट्ठे करांगी. ठीक है. सो टाइम इज ओवर बेटा. थैंक यू सो मच.